दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चेन्नई बेस्ड एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिसका नाम है एवेंटोस एनर्जी। जी हाँ, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। हालांकि लॉन्च तो कुछ समय पहले हो गया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इस गाड़ी को कवर करने वाला हूँ। हालांकि मैं इसको स्कूटर बोलूँ या मोपेड बोलूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि व्हील्स काफ़ी बड़े हैं, फ्लोर बोर्ड काफ़ी नैरो है, तो मैं एक टाइप से या तो मोपेड बोलूँगा या तो स्कूटर बोलूँगा। आप लोग जो गैस करना है कर सकते हैं। एंड कंपनी की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस गाड़ी को परचेस करने का प्लान है तो इस वीडियो को थोड़ा सा एनालाइज करके देख लीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये स्कूटर इस कंपनी की फ्लैगशिप स्कूटर होने वाली है, और बोल सकते हो ई स्कूटर होने वाली है, जिसका नाम है S110। डिज़ाइन देखेंगे तो सबसे पहले क्या नज़र में आता है, वो है बड़े बड़े व्हील्स। बड़े बड़े व्हील्स ये है कि अगर आपको इसको रूरल एरिया में चलाना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, सिटी में चलाना है उसके लिए भी अच्छा है। फ्लोर बोर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, ऑन एन ऑन एडिक्यूएट है। रियर सीट को अगर हटा के आपको वहाँ पे कुछ भी रखना है तो वो भी रख सकते हैं। अंडर सीट आपको बैटरी देखने को मिलती है, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोग, रियर में आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन सेटअप, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक। यहाँ पे बेल ड्राइव का यूज़ किया गया है जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। फ्रंट में आपको मिलता है राउंड एलईडी हेडलाइट, और यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। रियर मिरर्स भी दिए गए, एलईडी टेल लाइट दिए गए, तो ये सारी चीज़ तो आपको गाड़ी में कॉमन देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है दैट इज़ स्वाइपेबल बैटरी। जी हाँ, आप इस बैटरी को निकाल के आप अपने घर पे ले जाके भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगी। और कंपनी का मानना है जो इनकी गाड़ी जो पावर आउटपुट देती है वो एक्चुअल में 100cc और 125cc की जो स्कूटर्स होती है पेट्रोल स्कूटर, उससे काफ़ी बेटर है इवन रेंज के मामले भी। लेकिन रेंज के मामले में मेरे को उतना सही नहीं लगा इनका कमेंट, क्योंकि इनका जो गाड़ी का रेंज है वो सिर्फ 100 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। और सिंगल बैटरी सेटअप है, डुअल बैटरी सेटअप नहीं है, लिथियम आयन बैटरी है, माना कि ये बैटरी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ इस गाड़ी का जो व्हील में जो टॉर्क ज़्यादा है वो 140 न्यूटन मीटर्स का है, और मैक्स स्पीड है ये 60 किलोमीटर पर आवर की, इससे ज़्यादा की इसकी स्पीड नहीं है। मैक्स पावर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और इसमें नंबर प्लेट भी लगेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी वो मोटर लगी, यहाँ पे मिड माउंटेड PMSM मोटर मिलता है। आप बोलोगे PMSM मोटर क्या होता है, डैट इज़ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर होता है। जी हाँ, मोटर काफ़ी अच्छा माना जाता है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स है, 3 ईयर्स की बैटरी की वारंटी दी गई है, एंड यहाँ पे कम्प्लीटली इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया में। यस, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लेकिन दो चीज़ जो कि ये बाहर से एक्सपोर्ट करता है, डैट इज सेल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, बाकी सारी चीज़ें इंडिया में ही होता है, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है। इसका जो प्राइस टैग रखा है कंपनी ने वो 89,000 है फेम टू सब्सिडी के बाद, और अगर आप स्टेट सब्सिडी लगाते तो और ये कम हो जाएगा। लेकिन स्टेट सब्सिडी के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त कंपनी खुद ही बता देगी। फिलहाल इनका भी टारगेट है Tier 1 सिटी को कैप्चर करने का, देन धीरे धीरे जब पता ही है आपको कि इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, तो इन टाइप की गाड़ियों की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनके आउटलेट्स भी आपको छोटी सिटीज़ में भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तक तो अभी Tier 1 सिटीज़ में आने वाली है, और ये अभी चेन्नई में ही है, आपको चेन्नई के बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और से तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।